उदयपुर प्रशासन एक तरफ उदयपुर को खूबसूरत और उसके डेवलपमेंट की बात करता है, तो दूसरी ओर उदयपुर की सड़कों की बदहाली का मंजर रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ऐसा एक मंजर आज खांजीपीर इलाके से सामने आया, जहां पर कंक्रीट से भरा हुआ एक डंपर जब आकर पार्क हुआ तो ज़मीन उसका वज़न नहीं सह पाई और ज़मीन के अंदर उसके एक पूरा पोर्शन धस गया। गनीमत यह रही कि इस घटना के वक्त वहां लोग मौजूद नहीं रहे और उससे कोई बड़ा हादसा होने से भी टल गया। क्या हुआ है हादसा और किसी को कोई चोट वगैरह लगी है क्या? मेरा नाम फारूक कुरैशी है। यहाँ पर ये मोगरावाड़ी से जो खांजीपीर रोड चढ़ रहा है, यहाँ पर कोरा यूथ स्कूल के बाहर ये हादसा हुआ है। तकरीबन आधा पौन घंटे पहले की हादसा है ये। बहुत गनीमत रही है ना, अल्लाह का शुक्र रहा कि कोई पास में चल नहीं रहा था या कोई खड़ा हुआ नहीं था, बाकी वो जान माल से हाथ धो हो बैठता। और अगर इस क्वालिटी से ये रोड मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं एलएनटी वाले या स्मार्ट सिटी वाले या जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि ले लो या नेता ले लो या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबों को ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके से यहाँ की क्वालिटी मेंटेन हुई रोडों की, तो आने वाले दौर में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ये बताएं कि अभी इस हादसे के बाद कोई आया है, कोई जिम्मेदार? नहीं, अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं आया है। मैंने थोड़ा इन्फॉर्म करा है, पर अभी तक कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान नहीं आया कि आगे कहें कि हाँ पर भी हम इसको देखते हैं या सही करते हैं, आगे ऐसा हादसा नहीं होगा, कोई जिम्मेदार दलील ले। ठीक, दयनीय स्थिति। अगर इस तरीके से स्मार्ट सिटी का पूरे उदयपुर शहर में काम होगा तो कहीं पे भी कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है और जानमाल को नुकसान हो सकता है। ये गाड़ी जो आई है यहाँ पे, ये किस कारण से आई, आपको कुछ ध्यान है? मैंने पता करने की कोशिश करी है, पर ये शायद ये जो एलएनटी का काम चल रहा है उसी के रिगार्डिंग आई हुई है और आगे जा रही थी। ठीक है।